साल 2021 में भारत के जीडीपी में 11.5% की जबरदस्त बढ़त हो सकती है। दो अंकों की ग्रोथ रेट हासिल करने वाला भारत दुनिया का अकेला बड़ा देश हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने यह अनुमान जाहिर किया है कि गौरतलब है कि कोरोना की वजह से वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 8-10% की गिरावट आने का अनुमान है, जिसकी वजह से इस साल ये बढ़त राहत देने वाली होगी। IMF ने कहा है कि साल 2021 में भारत के बाद चीन, स्पेन और फ्रांस की ग्रोथ अच्छी होगी, जिनके जीडीपी ग्रोथ रेट क्रमशः, आपको बता दें कि 8.1%, 5.9% और 5.5% हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट अनुमान में 2.7% की बढ़त दी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि लॉकडाउन के बाद उम्मीद से बेहतर सुधार की वजह से यह बढ़त हासिल होगी।